पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज? तो एपिथेलियल टिश्यूज बेटा एक थिन कॉन्टिन्यूअस और टाइटली पैक्ड सेल्स की लेयर है, विच यू विल फाइंड ऑन टॉप ऑफ ऑर्गन्स और विच यू विल फाइंड इन ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, एंड यू विल फाइंड देम कवरिंग इंटरनल होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक. यू विल ऑल्सो फाइंड देम ऑन स्किन, राइट? सो इफ यू विल सी द आउटर स्किन, आउटर स्किन बेटा इट्स मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स और इसमें जो टॉप लेयर है एपिडर्मिस, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू. अनदर एग्जाम्पल इज इन GI ट्रैक, योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, इसमें जो आपका इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर पूरे में जो कवरिंग है दैट फुल कवरिंग इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. टिश्यूज का करेक्टरिस्टिक्स एंड देन फंक्शंस एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज दैट विल डिस्कस. तो करेक्टरिस्टिक्स में बेटा जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनका जो एपिकल सरफेस है, एपिकल सरफेस मीन्स द टॉप सरफेस विच इज देयर फॉर एपिथेलियल टिश्यू, तो वो टॉप सरफेस जो है वो हो सकता है कि वो प्लेन हो एंड इट्स पॉसिबल दैट इट इज हैविंग मैक्रोविलाई और सीलिया, है ना, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, है ना. सीलिया इज टू ट्रांसपोर्ट अ म्यूकस और सम डर्ट विच इज देयर ऑन द टॉप. सो दैट्स फर्स्ट इज द एपिकल सरफेस कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, है ना. एपिकल सरफेस पर यू कैन हैव सीलिया और माइक्रोविलाई कैन बी देयर. द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ हाई सेल्युलैरिटी, जो सेल्स हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है. थर्ड इज देयर इज नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल्स के बीच में जो है देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल, है ना. जो मैट्रिक्स है उसका मेन काम होता है टू ट्रांसपोर्ट और टू डू कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स. तो यहाँ पर मैट्रिक्स की जगह पर दे यू हैव गॉट लॉट ऑफ सेल जंक्शंस आर देयर एंड दिस सेल जंक्शंस आर टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स बिटवीन टू सेल्स. फोर्थ इज द एपिथेलियल टिश्यूज आर ए वेस्कुलर, दैट इज दे डोंट हैव एनी ब्लड वेसल्स पासिंग थ्रू देम. अब ब्लड वेसल्स नहीं पास कर रहे हैं तो एपिथेलियल टिश्यूज में जो लिविंग सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, है ना. सो दोज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के नीचे रहते हैं, दे आर वेस्कुलर, तो उनके पास जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, दैट्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड वाया डिफ्यूजन इनटू द एपिथेलियल टिश्यू सेल्स. द नेक्स्ट इज दे आर रीजनरेटिव, मतलब ये जो है क्योंकि टॉप सरफेस पे है तो ये सेल जो है वो चेफ ऑफ होते रहते हैं, है ना. तो न्यू सेल्स नीड्स टू बी बॉर्न, तो वो दीज सेल्स आर हाईली माइटोटिक एंड दे कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, दे कीप ऑन रैपिडली डिवाइडिंग देम सेल्फ. नेक्स्ट इज दे आर इनर्वेटेड, ठीक है. तो इनर्वेटेड में जो है जो नर्व्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं पास कर रही हैं बट दे हैव गॉट नर्व एंडिंग्स आर देयर, ठीक है. ये नर्व एंडिंग्स जो है दिस आर टेकिंग सेंसेशंस रिलेटेड टू आपका जो डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, उसमें दे आर हैविंग रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, रिसेप्टर्स फॉर प्रेशर, फॉर पेन, ऑल दिस रिसेप्टर्स और नर्व एंडिंग्स आर देयर इन एपिकल टिश्यूज, ठीक है. तो एपिथेलियल टिश्यूज का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज दे हैव गॉट बेसल मेम्ब्रेन. ये जो टिश्यूज हैं दे आर अटैच टू अ बेसल मेम्ब्रेन और अ थिन नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है. ये जो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है ये जो है देन फर्दर इट इज अटैच टू कनेक्टिव टिश्यू.